हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके के नाइस फ्रेंड्स इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे वन लाइनर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब होगा उस पर क्लिक करना और उसके साइड में एक बेलाइकन आएगा उसको जरूर क्लिक करना तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक क्वेश्चन नंबर पहला है प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया तो उन्नीस में मनाया गया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी जैसे सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो सतलुज का नहीं है यह सतलुज का जो उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकाशताल झील से निकली हुई है ठीक है फ्रेंड्स और ये चिनाब नदी में जाकर मिलती है यानी कि इसका मुआइना जो है वेस्ट चिनाब नदी में है। यह लगभग भारत में एक हजार पचास किलोमीटर फैली हुई है बहती है तो फ्रेंड्स भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है और एक नदी और है ब्रह्मापुत्र यह भी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकली है नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है तो भूटान जिसने भूटान ने तम्बाकू पर पूरी तरह से प्रतिबिंब लगाने वाला पहला देश बन गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रावली के लेखक कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए तो फ्रेंड्स काजीरंगा जो असम में है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी तो कुशीनगर में गौतम की मृत्यु हुई थी Next question है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है तो मध्य प्रदेश में बहता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है, है जयपुर की स्थापना किसने की थी तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा राजा जयसिंह ने की थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो राजा जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गोल्डन गेट के लेखक कौन है विक्रम सेठ है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है तो ये टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है तो चीन की लगी है लगभग तेरह देशों के साथ लगी हुई है स्थल सीमा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कनाडा की तो कनाडा की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है और यूपी की बात की जाए यूपी का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी पुलिस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सॉरी कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है तो हीरा है जो कार्बन का रूप है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो तिहत्तरवे संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी पंचायत राज नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन ये एटीएम का पूरा पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया तो मंगल पांडे ने दिया था मारो फिरंगी का नारा नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था तो ये महात्मा गांधी ने दिया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य जिनका दूसरा नाम भी कौटल्य है तो चाणक्य है अर्थशास्त्र के लेखक नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है तो ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल सुरंग जो बनिहाल दर्रे में है तो पूछ लिया जाता है कौन से दर्रे में स्थित है पीर पंजाल सुरंग तो बनिहाल दर्रे में है जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है तो ये जमशेदपुर में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थापित की गई थी तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा